करने जा रहे हैं सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। फैमिली लॉ का पहला चैप्टर है ये सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ। इसके बाद हम स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ देखेंगे, देन उसके बाद सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ एंड आगे। तो सबसे पहले हिंदू लॉ कितना पुराना, सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ कितना पुराना है, तो ये मैं आपको बता दूं, जो हिंदू सिस्टम है वो 6000 ईयर पुराना है ऐसा माना जाता है। और इसके अंदर जो हिंदू लॉ बना, जो प्रिवेल कर रहा है हिंदू लॉ, वो उसके अंदर दो हेड्स आते हैं, दो हेड्स में उसको क्लासिफाई किया गया है। तो क्या है वो? सबसे पहले एंशियंट सोर्सेस, देन उसके बाद मॉडर्न सोर्सेस। एंशियंट सोर्सेस में पहला है श्रुति। श्रुति का एक सिंपल मीनिंग है कि जो हमने सुना, व्हाट वी हियर। श्रुति में सबसे, आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हिंदू लॉ जो है वो डिवाइन लॉ है। ये जो थ्योरी है हिंदू लॉ की वो ऋषि मुनियों से आई, जो ऋषि मुनि अपनी तपस्या के पीक पर पहुंच चुके थे, स्पिरिचुअल हाइट्स पर पहुंच चुके थे, तो उनका कम्युनिकेशन डायरेक्ट भगवान से होता था। और जब कम्युनिकेशन डायरेक्ट भगवान से होता था तो जो बातें भगवान ने उन्हें बताई कि हमें क्या करना चाहिए, एक इंसान को कैसा होना चाहिए, क्या बिहेवियर करना चाहिए, वही बातें श्रुतिज में आई। और जो ऋषि मुनि थे उन्होंने वेदास लिखे, इन्हीं जो भगवान के वर्ड थे, जो भगवान के शब्द थे, जो भगवान ने उन ऋषि मुनियों से कहे, उन्होंने वो वेदास में लिख दिए। आप सभी जानते हो कि हमारे चार वेदास हैं, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साम वेद और ऋग्वेद। ये चार वेदास हैं हमारे। अब हमने ये समझ लिया कि श्रुतिज क्या होती हैं। तो श्रुतिज के बाद अब हम समझेंगे स्मृति। स्मृति का हिंदी में मतलब है हमें क्या याद है, जो हमें याद रहा, वॉट वी हैव रिमेम्बर। स्मृति में दो आ जाती, दो चीज़ें इम्पोर्टेंट आ जाती हैं। पहला है धर्मशास्त्र, दूसरा है धर्मसूत्र। जो धर्मसूत्र है वो 800 और 200 BC में आया। और धर्मसूत्र में क्या आता है? धर्मसूत्र में आती है आपकी कि जो ऑथर है जिसने वो लिखा है, जनरली उसी के नाम से धर्मसूत्र में हमारी चीज़ें आ जाती हैं। और धर्मशास्त्र में किस तरीके से एक इंसान को बिहेव करना चाहिए, वो सारी चीज़ें, आचार व्यवहार और प्राश्चित, ये सब धर्मशास्त्र में आते हैं। स्मृति तीन प्रकार की होती हैं, थ्री टाइप्स ऑफ स्मृति। क्या? मनुस्मृति। मनुस्मृति जो राजा मनु ने लिखी, राजा मनु ने अपनी लाइफ से जो कुछ सीखा, एक राजा को कैसा होना चाहिए, एक संसारिक जीवन अगर कोई जी रहा है, गृहस्थ जीवन कोई जी रहा है, तो किस तरीके से होना चाहिए, वो सारी इंपॉर्टेंट बातें जो एक लाइफ को जीने के लिए ज़रूरी हैं, एक बिहेवियर के लिए ज़रूरी हैं, वो राजा मनु ने मनुस्मृति में लिखी। दूसरी है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति में तीन चीज़ें आ जाती हैं, आचार, व्यवहार और प्राश्चित। आचार मतलब किस तरीके का आपका आचरण है, व्यवहार किस तरीके का आपका बिहेवियर है, प्राश्चित मतलब कि किस तरीके से आप कोई गलती करने के बाद उसका पश्चाताप कर सकते हो। देन उसके बाद आती है तीसरी, नारद स्मृति। तो ये थी हमारी स्मृति कि हमें क्या याद रखा। सबसे पहले श्रुति, हमने क्या सुना, देन स्मृति, हमें क्या याद रहा, उसके बाद डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। देखिए हो क्या रहा था कि हमारे पास लॉ प्रिंसिपल्स बहुत थे, सब कुछ था हमारे पास, लेकिन क्या हो रहा था, ये जो स्मृतिस थी एक ही दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी। डिफरेंट लोगों ने लिखी, डिफरेंट तरीके के उनके व्यूज थे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। एक ही स्मृति अपने टेक्सिस से कॉन्फ्लिक्ट कर रही थी। तो इस चीज़ को मिटाने के लिए, इन चीज़ों को सिस्टमेटिक फॉर्म में लाने के लिए, जो हमारा पुराना लॉ है उसको सिस्टमेटिक फॉर्म में लाने के लिए, हमारे पास तीसरी चीज़ आई, वो थे डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज। देन फोर्थ वन आता है कस्टम। कस्टम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कस्टम। तो जब लोग एक साथ रहते हैं, एक ग्रुप में रहते हैं,
जैसा पैटर्न फॉलो करते हैं, एक जैसा बिहेवियर करते हैं, उनके मैरिज करने के तरीके एक जैसे होते हैं, रिचुअल्स एक जैसे होते हैं, जो वो रीति रिवाज फॉलो करते हैं वो एक जैसे होते हैं, त्यौहार मनाने का तरीका एक जैसा होता है, तो एक पैटर्न में एक ग्रुप के लोग बिहेवियर करते हैं। तो जब वो एक पैटर्न में बिहेवियर होता है उसको हम यूसेज बोलते हैं एक ही तरीके से। लेकिन जब ये पैटर्न कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्म तरीके से बन जाता है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल उस कम्युनिटी के उसको फॉलो करने लग जाते हैं, उसको हम कस्टम बोल देते हैं। तो ये समझ में आया सिंपल सा मीनिंग कस्टम क्या क्या है, होता है, और एक वैलिड कस्टम होने की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो कस्टम शुड बी एंशियंट, कस्टम बहुत पुराना होना चाहिए, इतना पुराना कि हमें याद भी नहीं हो। तो हमें जैसे कि जो हमारे फॉर एग्जाम्पल मैरिज करने के जो तरीके हैं, हमें याद नहीं है, किसी को भी याद नहीं है कि सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था कि इस तरीके से मैरिज होगी। तो वो जो कस्टम है वो लॉ बन गया। अगर जब तक आप 7 फेरे सतपति पूरे नहीं करते, आपकी मैरिज पूरी नहीं मानी जाएगी। तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वो कस्टम क्या है? लॉ बन गया। तो आपका कस्टम जो है एंशियंट होना चाहिए। देन उसके बाद कस्टम शुड बी कंटिन्यूस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 1 साल के लिए अपना कस्टम छोड़ दिया, दूसरे अगले साल से स्टार्ट कर दिया। नहीं, कस्टम कंटिन्यूस होना चाहिए बिना किसी ब्रेक के। और कस्टम क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। कस्टम शुड बी यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्मिलिटी में फॉलो करना चाहिए। और कस्टम अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। कोई भी बेतुका कस्टम हम फॉलो नहीं कर सकते। हर कस्टम के पीछे जो आज हम फॉलो कर रहे हैं उसके पीछे एक रीज़न होता है, चाहे वो रीज़न स्पिरिचुअल हो चाहे वो रीज़न लॉजिकल हो, बट रीज़न होना चाहिए। देन इट शुड नॉट बी इमोरल। किसी की भावनाओं को आपका कस्टम ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई भी कस्टम होता है एक अच्छी चीज़ के लिए होता है, किसी भी इमोरेलिटी के लिए कस्टम नहीं होना चाहिए। कस्टम मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कोई भी कस्टम पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं करना चाहिए। जो कस्टम पब्लिक पॉलिसी को अपोज करता है वो वॉइड होता है। ठीक है, देन उसके बाद कस्टम जो है लॉ को अपोज नहीं करना चाहिए। मान लो कि कोई लॉ हमने बना दिया और हमारा जो कस्टम है वो लॉ के बिल्कुल खिलाफ है। तो जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल लेते हैं चाइल्ड मैरिज। अब लॉ में चाइल्ड मैरिज क्या है? प्रोहिबिटेड। आप किसी बच्चे की शादी नहीं करवा सकते जब तक वो 18 साल का या 21 साल का नहीं हो जाता। लड़की 18 साल की, लड़का 21 साल का, तो तब तक आप किसी की शादी नहीं करवा सकते। लेकिन आपका कस्टम है हम बच्चों की शादी, तो वो क्या है? वॉइड है आपका ऐसा कस्टम अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। देन उसके बाद किस तरीके के कस्टम होते हैं? काइंड ऑफ कस्टम। लोकल कस्टम होते हैं जो एक लोकेलिटी में फॉलो किए जाते हैं। एक लोकेलिटी यानी कि मान लो कि एक लोकल एरिया है, वहाँ पर कोई कस्टम अलग से फॉलो किया जा रहा है, भले ही वो दूसरे लोकेलिटीज़ में नहीं किया जा रहा है, तो उनका कस्टम है वो प्रिवेल करेगा। ठीक है, देन उसके बाद आता है फैमिली कस्टम। मेरे परिवार में कोई कस्टम फॉलो किया जा रहा है तो वो मेरे परिवार का कस्टम है, भले ही वो किसी दूसरे परिवार में फॉलो किया जा रहा हो या ना किया जा रहा हो। तो क्या है? फैमिली कस्टम। जैसे कि मान लो कि त्यौहार के दिन मेरे परिवार में कस्टम फॉलो किया जाता है कि त्यौहार के दिन सारे छोटे जो भी हैं घर के उन्हें बड़ों का पैर छू के आशीर्वाद लेना है। तो ये बहुत सालों से फॉलो किया जा रहा है, तो आगे वाली पीढ़ी को भी करना पड़ेगा। अगर उसने ब्रेक डाउन किया तो हमारा फैमिली कस्टम वहीं ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये कस्टम है ना। देन उसके बाद कास्ट और कम्युनिटी का कस्टम होता है। एक का कास्ट दूसरा कस्टम फॉलो करती है, कम्युनिटी का अलग कस्टम होता है, उनकी शादी करने के तरीके होते हैं जैसा कि आपने देखा होगा, तो कास्ट और कम्युनिटी का कस्टम अलग होता है। तो ये हो गए कस्टम। अब यहाँ पर दो केसेस हैं, दिव्यानी याचित चिदम्बरम वसे लक्ष्मी वसे चिदम्बरम और लक्ष्मी वसे भगवंत हुआ। इन दोनों ही केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि अगर कस्टम कंटिन्यूस है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल उसको फॉलो कर रहे हैं और वो बहुत पुराना है, इतना पुराना कि किसी को याद तक नहीं है, तो वो कस्टम वैलिड है और प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मॉडर्न सोर्स हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।